हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है टॉप 10 फ्री गेम्स के ऊपर। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो इसका मतलब ये पार्ट 2 है, टॉप 10 फ्री गेम्स पार्ट 2। और पार्ट 1 की वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन में मैं उसको अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस वीडियो के बाद उसे जाकर के आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। और बहुत सारे लोग कमेंट्स में मेरे को कभी कभार बोलते रहते हैं कि मैं टॉप 10 फ्री गेम्स वाली वीडियो लेके आओ, तो चलिए मैं आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो मैं चैनल में गेमिंग एंड गेमर से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। अगर आपको ऐसी गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा उसको दबा के ऑल पे करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं होप करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो चैनल के लिए बेनिफिशियल होगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। लास्ट टाइम मैं टॉप 10 फ्री गेम्स की पार्ट 1 वाली वीडियो में आपने 600 लाइक के आसपास करवा दिए थे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो में भी 600 करवाओ, बस इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करते ही साथ साथ मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इस गेम की लिस्ट में मैं आपको वैलोरेंट, वॉरजोन, ये सब बड़ी बड़ी गेम्स का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इन गेम्स को कोई ना कोई खेल रहा होगा या फिर तो खेल करके थक करके ऐसी लिस्ट को देखने के लिए आया है। तो जो इस लिस्ट की जो पहली गेम है मैं उसमें एक स्पोर्ट्स गेम में ऐड कर रहा हूँ, और जो पहली गेम का नाम है ई फुटबॉल पेस 2020 लाइट वर्जन। ये आपकी फ्री टू प्ले गेम है, पेस 2020 का लाइट वर्जन है ये। इसका एक पेड वर्जन भी आता है, बट इसका जो ये लाइट वर्जन है ये आपका फ्री है। ये आपका एक स्पोर्ट्स गेम है, फुटबॉल सॉकर गेम है, आपका जस्ट लाइक वन अभी फीफा गेम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपकी पेस गेम है वो फीफा से बेकार है, बट आपकी फीफा ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपको फीफा का मजा लेना है तो आप फ्री में, तो आप यहाँ से इस गेम को ट्राई कर सकते हो। ये गेम आपको स्टीम में मिलेगी, और अगर आपको इसको प्लेस्टेशन कॉन्सोल्स में खेलना है तो आप इसमें वहां पे भी आप इस गेम को खेल सकते हैं। और जो इस लिस्ट की दूसरी गेम है, ये दो गेम है जिनका जो गेम प्ले स्टाइल है वो थोड़ा सेम है और डिफरेंट भी है, और जो इन गेम्स का नाम है वर्ल्ड ऑफ वॉर टैंक्स एंड वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप। जो आपकी वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप एंड वर्ल्ड ऑफ टैंक है वो आपकी नेवी एंड आर्मी, वॉरशिप एंड वॉर टैंक्स के ऊपर है। ये आपकी स्ट्रेटेजी गेम है। आपको थोड़ा अगर आपको खेलना आ गया, थोड़ा स्टार्टिंग का मैकेनिज्म अगर आपको खेलना आ गया तो ये गेम में आपको मजा आएगा। मैंने वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप खेली थी थोड़े टाइम तक, जब इंडिया में ये वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप वाले अपना प्रमोशन कर रहे थे, प्रमोशन कोड वोड बांट रहे थे, तब मैंने इस गेम को खेला था। अच्छी गेम थी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा अडिक्टिव होने लग गया था, तो मैंने फिर इस गेम को खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि कोई भी गेम में अडिक्टिव मेरे को ज्यादा होना पसंद नहीं है। तो ये गेम अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आपको खेलनी है तो। और जो इस लिस्ट की तीसरी गेम है, इस गेम का नाम है फैंटेसी स्ट्राइक। ये आपकी 2D फाइटर एंड फाइटिंग गेम है, आपकी जस्ट लाइक टेकन एंड जो भी आपकी फाइटिंग गेम होती है, ये आपको स्टीम में मिल जाएगी। और अगर आपको टेकन वेकन टाइप की गेम्स खेलनी थी, बट आपको जैसे कि आपको थोड़ी सी महंगी गेम लगती थी, अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो, ये आपको स्टीम में मिल जाएगी फैंटेसी स्ट्राइक। और जो इस लिस्ट की जो चौथी गेम है, इसका नाम है हीरोज एंड कंपनी वर्ल्ड वॉर 2। ये भी एपिक गेम स्टोर में नई नई आई है, ये पहले स्टीम में भी थी, और ये आपकी शूटर FPS एक्शन गेम है, कॉल ऑफ ड्यूटी रिप ऑफ गेम है टाइप कांडा, तो आप इसे जाके ट्राई कर सकते हैं। मैंने सुना है कि ये आपकी पे टू विन टाइप की गेम है, तो बहुत सारे लोगों को ये गेम पसंद नहीं आ सकती है, गारंटी नहीं देता, बट हाँ पे टू विन वाला मॉडल है शायद से इसके अंदर, आप इसे जाकर के खेल सकते हैं अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप का फील चाहिए तो। नहीं तो इस समय आपकी एपिक गेम स्टोर में राइजिंग स्टॉर्म 2 भी फ्री मिल रही, तो आप उसे भी जाकर के क्लेम कर सकते हैं। सेम जॉनर है, सेम टाइप की गेम आपको मिल जाएगी, अच्छी गेम है हीरोज एंड कंपनी वर्ल्ड वॉर 2, आप इसे जाके खेल सकते हैं। और जो इस लिस्ट की जो फिफ्थ गेम है, यहाँ पे मैं इसको फिफ्थ नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी नोन टाइप की गेम्स हैं, बहुत सारे लोग इनका नाम जानते हैं बट इन गेम्स को खेलना पसंद नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन गेम्स को ट्राई करो। गेम का नाम है डोटा 2 और लीग ऑफ लेजेंड्स। ये दोनों आपकी मल्टीप्लेयर मोबा गेम्स हैं, स्ट्रेटेजी गेम्स हैं, आपकी PvP गेम्स हैं, ये आपकी टावर डिफेंस आपको करना पड़ता है इनके अंदर। डोटा 2 आपको स्टीम के अंदर मिल जाएगी, लीग ऑफ लेजेंड्स आपको इनके खुद के लॉन्चर में आपको मिल जाएगा, आपको बस लीग ऑफ लेजेंड्स लिखना है गूगल में और आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक और गेम का इसको अल्टरनेटिव मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको डोटा 2 और लीग ऑफ लेजेंड्स इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि जो उसके ग्राफिक्स हैं वो अच्छे वाले ग्राफिक्स नहीं है, आपको अच्छे ग्राफिक्स वाली गेम्स चाहिए और आपको टॉप डाउन नहीं चाहिए, तो मैं आपको थर्ड गेम अल्टरनेटिव मैं आपको बता सकता हूं। इसका स्माइट करके एक गेम है, आप उसे जाकर के खेल सकते हैं। ये आपकी फैंटेसी टाइप की गेम्स है, इसके अंदर मतलब आपको मिथिकल कैरेक्टर्स मिलेंगे जैसे लोकी, नॉर्स मिथोलॉजी वाले जो गॉड्स टाइप के आपको कैरेक्टर्स इसके अंदर मिलेंगे, तो आप जाकर के स्माइट खेल सकते हो।
और जो आपकी सिक्स्थ गेम है ये भी अभी नई आई है, मतलब 2 या 3 हफ्ते हो गए होंगे एपिक गेम स्टोर में आए हुए इसको। इस गेम का नाम है डायबॉटिकल। ये आपकी मल्टीप्लेयर FPS कॉम्पिटेटिव गेम है, अरीना FPS गेम है। ये आपका फास्ट पेस गेम होता है और जो हम इसके अंदर जो करेक्टर होते हैं, हम इसके अंदर एग टाइप के करेक्टर होते हैं, एग शेप के, ओवल शेप के, तो इसके अंदर कोई हेडशॉट नहीं होता, तो सीधा आप मारोगे तो वो एक कॉम्पिटेटिव और फास्ट पेस वाली गेम बन जाएगा। और अरीना FPS होते भी थोड़े फास्ट हैं, तो आप इस गेम को जाकर के ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस गेम को ट्राई नहीं किया है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप डायबॉटिकल को जाकर के ट्राई करें। और जो इस लिस्ट की जो 7th गेम है, ये गेम भी आपके डायबॉटिकल के साथ ही आई थी 2 या 3 हफ्ते पहले। इस गेम का नाम है स्पेल ब्रेक। ये आपकी एक बैटल रॉयल गेम है। बहुत सारे लोगों को बैटल रॉयल गेम आज के टाइम पे पसंद नहीं आती, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बैटल रॉयल को खेले, क्योंकि ये आपकी एक्शन मल्टीप्लेयर गेम है, वो तो होनी चाहिए, और ये आपकी RPG स्टाइल की गेम है। अगर आपको अभी भी RPG समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपकी फैंटेसी मैजिक बेस्ड गेम है, क्योंकि और इसके अंदर आपको गन्स नहीं मिलती है, इसके अंदर आपको मैजिक मिलता है, और मैजिक के इसके अंदर टीयर्स मतलब लेवल होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको खेलना पड़ता है मैजिक के साथ, ना कि गन्स के साथ। तो ये एक फन बैटल रॉयल टाइप का गेम बन जाता है। ये भी आपको एपिक गेम स्टोर में मिल जाएगा, आप इसे जाके ट्राई कर सकते हैं। ये भी बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी जब नई आई थी, और इसका अभी भी प्लेयर बेस अच्छा खासा है, तो आप इसे जाकर के ट्राई कर सकते हैं, आपको मैच अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। और ये जो बैटल रॉयल है, ये अपने अंदर ही थोड़ा सा अलग गेम है, मतलब इसके अंदर थोड़ा एलिमेंट्स जो है बहुत अच्छे हैं, तो आप इसे जाकर के ट्राई करेंगे तो बहुत बढ़िया बात होगा। तो गाइस, इस लिस्ट की टॉप 3 गेम्स की अब बात होने वाली है। टॉप 3 का टाइम आ चुका है। तो जो टॉप 3 में जो 3rd नंबर की जो गेम है, उसका नाम है डॉन्टलेस। डॉन्टलेस आपकी एक एक्शन RPG मल्टीप्लेयर गेम है, और ये आपकी मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड का एक बहुत अच्छा कॉम्पिटेटिव ऑल्टरनेटिव है। ये आपकी कोऑप मॉन्स्टर हंटिंग गेम है। इसमें आपको मॉन्स्टर हंट करने पड़ते हैं। अगर आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा। आपको इसमें मॉन्स्टर्स को किल करना पड़ता है, और इसका जो ग्राफिक्स है थोड़े से कार्टूनिश टाइप के, मतलब मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड की एकदम रियल है, और इसके थोड़े से ग्राफिक्स जो है कार्टूनिश टाइप के हैं, बट आपको खेलने में सेम मजा आएगा। और अगर आपने कभी मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड नहीं ट्राई करी है, तो मैं आपको डॉन्टलेस ट्राई करने के लिए बिल्कुल कहूंगा। एक बहुत बढ़िया RPG गेम है, आपको मजा आएगा। मतलब कि हमेशा वही, मतलब लेवल अप, मॉन्स्टर्स को मारना, छोटे मॉन्स्टर्स से लेकर के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स तक, और कभी कभार आप हार जाओगे, जीतना मुश्किल हो जाता है बड़े बड़े मॉन्स्टर के सामने। तो ये एक बहुत बढ़िया गेम है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, जो नेक्स्ट गेम आ रही है, ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल गेम हो सकती है, बट ये एक बहुत पॉपुलर गेम है। इसके अंदर इसका जो प्लेयर बेस है, बहुत बड़ा प्लेयर बेस हो गया 1 हफ्ते के अंदर अंदर। इस गेम ने 1 वीक में 50 to 100 मिलियन का एक रेवेन्यू जनरेट किया फर्स्ट वीक में। तो इसका नाम है गेंशिन इम्पैक्ट। ये आपका RPG कोऑप गेम है। ये आपका पूरा का पूरा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड की थोड़ी सी फीलिंग दे देता है, बट ऑनलाइन में, और ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड की जो AI और जो स्टोरी मोड है उसको हटा दोगे तो ये बचेगा। गेंशिन इम्पैक्ट एक चाइनीज गेम है, तो बहुत सारे लोग अभी ये सुनकर के थोड़ा नाराज हो गए होंगे, बट गेम अच्छा है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसका एक गाचा गेम का मैकेनिज्म है। गाचा गेम अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ गाचा गेम के बारे में। गाचा गेम्स में आपको अपनी स्किन्स विंस के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और वो एक लॉटरी टाइप का चीज होता है। आपको जैसे आपकी पसंदीदा कोई चीज चाहिए, वेपन चाहिए या स्किन चाहिए, तो वो आपके पास आप पैसे दोगे, और आपके पास वो कन्फर्म नहीं होगा कि आपको वो चीज मिलेगी। तो ये है, और भी बहुत सारे नेगेटिव होते हैं गाचा गेम्स में। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप इस गेम को बिल्कुल ही खेले, अगर आपको ये गेम पसंद आ रही है बिल्कुल ही खेले, बट अपना वॉलेट इसके लिए कभी ना खोले, इस गेम के लिए वॉलेट बिल्कुल भी ना खोले, पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका शायद, बट हाँ आप इस गेम को खेल सकते हैं। बेस्ट स्टोरी मोड का गेम है इस लिस्ट में। आप इसको अगर आपको ये गेम को कोऑप खेलना है, तो आपको लेवल 16 तक जाना पड़ता है गाइस, हाँ, और आपको 16 लेवल तक जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हाँ स्टोरी मोड इसका अच्छा, आप स्टोरी मोड इसका खेल सकते हो तब तक। और जो इस लिस्ट की नंबर 1 गेम है, इस गेम का नाम है रोग कंपनी। ये आपका वैलोरेंट, CS:GO एंड ओवरवॉच तीनों का मिक्सचर टाइप का गेम है, और ये आपका 3rd-person शूटर कोऑप मल्टीप्लेयर गेम है। इसमें आपके पास वही पावर्स होती हैं, कुछ रोग पावर्स होती हैं, और आपको ये गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। पहले ये गेम क्लोज्ड बीटा में थी, कि आपको कीज लेके आने पड़ते थे, इधर उधर से ट्विच की स्ट्रीम्स देखो, रोग कंपनी की साइट में जाकर के कीज लेके आने पड़ते थे, फिर वो सबका झोल झमेला था। बट ये लास्ट वीक ये गेम फ्री में हो चुकी है, लास्ट वीक में ये गेम फ्री हो चुकी है, आप इस गेम को खेल सकते हैं। बहुत बढ़िया गेम है, मैंने भी इस गेम को खेला था, मैंने इसके 5-6 गेम खेले थे, बट मेरे को उस समय थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ में नहीं आते, क्योंकि मेरे को फर्स्ट पर्सन शूटर गेम की आदत पड़ गई थी। हाँ, तो इसको दोबारा से मैं इसको खेलना स्टार्ट करूंगा, फिर मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा अगर लाइव स्ट्रीम में अगर कर पाऊं तो मैं आपको बताऊंगा। और ये गेम भी आपको एपिक गेम स्टोर में मिल जाएगी।
तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको 10 टेक्निकली बोले जाए तो 12 या 13 गेम्स मैंने आपको बताया है। और अगर आपको कोई भी गेम्स इसके अंदर पसंद आती तो आप इन 10 में से या 12 13 जो भी मैंने गेम्स बताई इनको ट्राई कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि इसका और भी पार्ट्स अगर मैं ला पाया अगले महीने तो मैं इसको लाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और साथ ही साथ में अपने गेमर्स फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि उनको भी और आपको भी ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। और अगर आपको ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस पसंद आती तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के जैसे कि मैंने आपको बताया सब्सक्राइब बटन के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको दबा के ऑल पे करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। और अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना तो डिस्क्रिप्शन में दिए अमेज़न के लिंक से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई फीडबैक है या कमेंट है तो मेरे कमेंट सेशन को यूज करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपको कोई प्राइवेटली सवाल पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम में भी आके आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय। सायोनारा।